तो वही राजधानी देहरादून में भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भू माफिया द्वारा बड़े लोगों के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर खुलेआम कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सिद्धपीठ गौतम कुंड के चंद्रमणि इलाके से सामने आया है, जहां लगभग 90 बीघा जमीन में 10 से 12 बीघा जमीन पर तथाकथित व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर जमीन को बेचा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर चंद्रमणि पीठ के महाराज हेमराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों के साथ मिलकर एक पत्रकार बसंत निगम द्वारा जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि भूमाफिया पत्रकार का कहना है कि उसकी पहुंच मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक है, जबकि कोर्ट के द्वारा भी उनके पास आदेश है कि जमीन सरकार में निहित है और लगातार वो लोग इस बात को लेकर अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन आलम यह है कि जिम्मेदार अधिकारी उन लोगों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। वहीं जब इस मामले पर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला नगर निगम का है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो जमीन है सरकारी प्रॉपर्टी है, 50 बीघा शमशान घाट और 40 बीघा जंगल है, ये जो सब घुमा के पत्रकार में कब्जा करा हुआ है। हाल ही में मेरे पास अब वीडियो तीन तो उतार दिया क्योंकि जंगल है, मैंने नाम देखा हुआ खुलेआम देखा हुआ है। अभी उनका ये कि हम तो मंत्री जो है फलाना ठिकाना है, मेरे भाई कानून तो सब ठीक है, ये देश में रहने वाला दूसरा नंबर में कमलगिरी भीमलगिरी या कहते गौरवाली या नहीं आना फला। अभी हाल ही पहले डीएम साहब को देखा था, इससे पहले भी लिखा था, देश भारत देश की भूमि उत्तराखंड के राज्य की भूमि किसी की निजी भूमि नहीं है, ये देश हिंदुस्तान का देश है। अब इनका कहना है कि कितनी जमीन अभी जंगल फाड़ कर तेरमलता ने बेच दी, 8 लाख में बेचा हुआ। एक गेवीनाथ मंदिर था, 11 बीघा जमीन है, रह गया एक बीघा। इसकी जमीन को काफी प्रशासन को लिखा, इन्होंने कहा कि मुकदमा करा मेरे ऊपर में हम ऊपर उपेटिए, न्यायालय से खत्म कर दी। ये जमीन सरकारी है, किसी की निजी जमीन नहीं है, तीनों न्यायालय में लिखा हुआ है। मैंने तीनों न्यायालय का फैसला देख लो, कोई मेरे निजी तो नहीं है कुछ जमीन। ये जमीन जो है ना हमें धर्मी स्थल को बचाने के लिए, हमें मेरे बाप के भी नहीं है, मेरे कोई संपत्ति भी नहीं है। हम ये देश को अच्छी मतलब भूमि हो, ये मंदिर का मतलब अच्छा हो, आने वाला समय में हाँ उसका मंदिर है, ये चीज़ को ऋषि गौतम ऋषि का मतलब स्थान है, ये आगे की इस तरह का कोई भी मामला होगा जहाँ पे कि सरकारी संपत्ति है उस पर अधिकरण या कब्जा करने की कुछ शिकायतें आती हैं तो हम तत्काल अपनी टीम को भेज के वहाँ पर कार्रवाई करते हैं, वोट करवाते हैं और सूचित भी करते हैं आम जनता को कि ये सरकारी जमीन है और इस पर अधिकरण नहीं किया।